नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक और कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा कमेंट है। इन्होंने भाई साहब ने कमेंट किया है, 17 kg मैदा में घी कितना लगता है, और या घी या रिफाइंड कितना लगता है। ठीक है, मान लीजिए मोन डालने के लिए और जो सिकाई करते हैं उसके लिए। ठीक है भाई, मान के चलते हैं 1 किलो मैदा के अंदर यदि हम मट्ठी बनाते हैं, तो 1 kg मट्ठी बनाते हैं, वही फ्राई करते हैं, उसके अंदर घी कितना लगता है, और जो टोटल हमारी जो 17 किलो मैदा होगी उसके अंदर घी कितना लगेगा। ठीक है, दोनों सवाल किए हैं इन्होंने। मान के चलते हम 1 किलो मैदा लगाते हैं, ठीक है, उसके अंदर 200 से 250 ग्राम के बीच में हम मोण या घी डाल लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 225 ग्राम, 220 ग्राम डाल लिया, 230 ग्राम या 250 ग्राम। ठीक है, हमने ये घी डाल लिया, मान ली 225, 230 ग्राम। ठीक है, यदि हम 17 किलो मैदा के अंदर घी हमारा कितना होगा, हमने मान लीजिए 250 ग्राम डालते हैं, तो हमारा जो घी है वो घी की कॉस्टिंग निकालेंगे हम 250 ग्राम गुणा में 17। ठीक है, हमारे पास उत्तर कितना हुआ, 4,250। ये हमारा क्या उत्तर है, 4 किलो 250 ग्राम। ठीक है, यदि मान के चलते हम 17 गुणा में 220 यानी कि 225 ग्राम घी इसके अंदर डालते हैं, तो ये हमारा उत्तर हुआ 17 गुणा में 220। ठीक है, 220 गुणा करते हैं तो 3 किलो 740 ग्राम हमारे घी इसके अंदर हो गया। ठीक है, लेकिन हम दोनों चीज़ों को छोड़ करके मैक्सिमम हम 4 किलो घी मान लेते हैं। ठीक है, 4 किलो घी, 4 किलो के घी के जो पैसे वो कितने लगेंगे। ठीक है, फिलहाल का जो भाव नए साल से, आज 1 तारीख है, नए साल से मैंने जो किराने की दुकान से होलसेल में घी का प्राइस रेट किया था, भाई क्या रेट चल रहा है, अब फिलहाल का भाव 1950 रुपये चल रहा है। ठीक है, 1950 के हिसाब से यदि हम मान के चलते हैं, भाई 1950 भाग में 15 यानी कि एक पिप्पा का 1950 रुपया है और 15 किलो घी आता है। ठीक है, 1950 भाग में यदि हम 15 करते हैं तो 130 रुपये किलो हमारा घी हो जाता है। ठीक है, 130 रुपये किलो घी होता है, तो 130 गुणा में 4 किलो घी। ठीक है, हमारा जो टोटल घी का मोण यदि इसके अंदर डालते हैं तो 520 रुपये खर्चा हो गया फिलहाल का, 2023 पहले महीना की 1 तारीख। ठीक है, जो आगे देखते हो वीडियो उस टाइम का भाव कुछ अलग मिलेगा आपको। ठीक है, अब 1 kg मैदा के अंदर हमने मान लीजिए 160 ग्राम, लगभग 160 ग्राम यदि हम 1 किलो मैदा की जो मठिया है वो फ्राई करेंगे तो 160 ग्राम घी लग जाएगा लगभग। ठीक है, 160 ग्राम गुणा में यदि हम करते हैं तो हमारा जो घी है 2 किलो 700 ग्राम हो गया। ठीक है, 160 ग्राम गुणा में हमने किया 17। ठीक है, 2 किलो 720 ग्राम घी हो गया हमारा जो मठिया हम फ्राई करेंगे उसका। ठीक है, लेकिन आप ये मत मानना भाई हमने 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो मैदा ली है। यदि हम होलसेल का बहुत ज़्यादा माल बनाते हैं तब ये कॉस्टिंग निकलती है। ठीक है, यदि हम थोड़ा माल बनाते हैं तो लगभग घी ज़्यादा 1.5 लग जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या होती है, कई बार भाई बनाने में भी और जो हमारा घी है वो उसको अच्छी तरह से जारने में भी पता लग जाता है। ठीक है, अच्छे हम जार लेते हैं उसको। ठीक है, 2 किलो 700 ग्राम जो हमारा घी लगता है उसके पैसे कितने हुए, 2 किलो के हमने भाई लगा लिए, 2 किलो घी का हमने लगा लिया 260 रुपये। ठीक है, 260 रुपये, 130 का भाव था जो घी। ठीक है, हमारा जो घी बच गया 700 ग्राम घी। अब जो 1 किलो घी यदि हमें देखते हैं भाई 100 ग्राम के हिसाब से, 100 ग्राम घी हमारा 13 रुपये का बन जाएगा। ठीक है, 13 का देखते हैं, 13 सत्ती 91 91, यानी कि हमारा 700 ग्राम घी 91 रुपये का हो गया, और जो 2 किलो घी था वो 260 का। 260 और 91 प्लस करते हैं तो हमारा जो घी है वो 351 रुपये का हो चुका है लगभग। ठीक है, 350 रुपये का घी हो गया हमारा फ्राई करने वाला, और जो वो घी था मोन डालने का घी है वो हमारा हो गया 520 रुपये का। ठीक है, जो हमारा टोटल घी है 17 किलो मैदा के अंदर घी लगने वाला है 817 रुपये का घी है। ठीक है, गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना,
हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।